हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि एयरफोर्स अग्निवीर रीमेडिकल का रिव्यू शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गुवाहाटी का रीमेडिकल का रिव्यू शेयर करने वाला हूं। और आपको बता दूं कि 16 सितंबर से रीमेडिकल स्टार्ट हो गया है गुवाहाटी में। और अगर आपका 4-5 पॉइंट है तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका 1-2 पॉइंट है तो 2 से 3 दिन लग जाएगा। और गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा वेट करवा रहे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आप लोग जो है रहने के लिए अपना सामान वगैरह लेके जाना और पैसा वगैरह थोड़ा ज़्यादा रख लेना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। मैं जिस कैंडिडेट का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, उसका जो रीमेडिकल था वो 16 सितंबर को था। और उसका 4 पॉइंट था, एक ECG का था, DNS का था, और कैरी एंगल का था, और एक चेस्ट एक्सपेंशन का था। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और उम्मीद है कि 25 तारीख तक जो है ग्रीन कार्ड मिलेगा। और कुछ लोगों को जिसका 1-2 पॉइंट था वेट का था, वो सब इजली क्लियर हो गया है। तो अगर आपका भी वेट का पॉइंट है तो ये सब क्लियर हो जाएगा। चेस्ट का अगर है तो ये सब क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर आपका 2-3 पॉइंट है तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जो है 25 सितंबर तक क्लियर हो जाए। वैसे 23 तक हो जाना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है आपको ग्रीन कार्ड के लिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और ये बता रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है फ्रस्ट्रेट होके मतलब कि वहाँ से छोड़ के चले आए घर। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना, अगर फिट हो जाते हो तो अच्छा ही होगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि सभी को अनफिट कर दे रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट फिट भी हो रहे हैं। तो आप लोग भी अपना रीमेडिकल अच्छे से देना, जिसका भी आगे आने वाले डेट में रीमेडिकल है। और आप लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, और इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया गया है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, आपको आज का जो रिव्यू है वो शेयर करते हैं। ये गुवाहाटी सेंटर का है। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। सैटरडे को आए यहाँ MH में। कौन है? तो यहाँ पे हम लोग को बोला कि आप लोग रिटर्न चले जाइए, मंडे को आइएगा, आज बहुत भीड़ है। अच्छा। उसके बाद हम लोग मंडे को आए तो 2:30 बजे तक बैठाया। उसके बाद कुछ नहीं किया। अच्छा। फिर बोला कि कल आना। ओह। उसके बाद आज गए तो आज एक एक पॉइंट सबका चेकअप हुआ। ECG वाले को ECG हुआ, मेरा DNS का चेकअप हो गया है, उसने फिट कर दिया है। DNS में फिट कर दिया है। हाँ। और कल एक रह गया मेरा कैरिंग एंगल का, तो आज कैरिंग एंगल में 3 को फिट किया, 2 को अनफिट कर दिया है। ओ, तो तुम्हारा तो उससे ज्यादा है क्या? नहीं, मेरा एक लड़का जो फिट हुआ उसको देखे तो मेरा उतना ही है, मतलब बोला कि तुम्हारा भी हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारा मेडिकल था वैसे कब था? रीमेडिकल कब मेरा कौन सा डेट में था? 16 तारीख को था रिपोर्टिंग। हाँ, वहाँ पे एयरफोर्स वाले मेडिकल में। उसके बाद हम लोग 17 को MH भेजा वहाँ गुवाहाटी बोरझर के पास में। अच्छा, बोरझर के पास ही। हाँ। ओ, तो उसके बाद अभी तक मतलब फिट नहीं किया है? नहीं, अभी तक किसी को कुछ नहीं किया। क्या, क्या, क्या तो कितना पॉइंट था तुम्हारा? 3-4 पॉइंट। ओ, 3-4 पॉइंट। कौन कौन सा? DNS का ये वो तो चेस्ट मेजरमेंट हमको लगा वहाँ पे गलती से नाप दिया था। वहाँ पे मेरा पता ना 75 दे दिया था, यहाँ पे मेरा 87 चेस्ट दिया, पता ना कैसे मेरा गलती नाप दिया तो था। कौन कौन सा था तुम्हारा? एक वो चेस्ट में था, चेस्ट मेजरमेंट, ECG, DNS माइल्ड। अच्छा। और एक कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल तो कितना पॉइंट क्लियर हुआ अभी तक? 3 को क्लियर हो गया है। 3 को क्लियर हो गया, 1 को ना बचा है। हो जाएगा तब क्लियर। कल उम्मीद है कि हो जाएगा ना? कल हो जाएगा, चेकअप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को फिर से यहाँ से रिपोर्ट बन के वहीं जाएगा। अच्छा, ECG का और क्या किया? ECG का कितना लड़का था, कितना फिट किया? ECG का हम लोग में 27 लड़के में 22 लड़का ECG का है। हाँ, तो क्या हुआ, 22 को का फिट किया? सबका अलग अलग प्रॉब्लम है ECG पे। तुम्हारा ECG, तुमको ECG में फिट किया? नहीं, खाली रिपोर्ट, मैंने चेकअप हो गया, उसका रिपोर्ट अभी नहीं दिया वहाँ पे, बस बता रहा मतलब था। तुम्हारा 2 पॉइंट बचा है, ECG और ये कैरी एंगल। हाँ, फिट होना क्या अभी बता नहीं रहा था वहाँ पे, मतलब रिपोर्ट ECG मतलब चेकअप हो गया है। हाँ। उसका रिपोर्ट हम लोग को वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैंने हिंट कर दिया था कि फिट हो कि अनफिट हो। अच्छा। बोला कि सही है वहाँ पे, बोला ठीक है तुम्हारा।
अच्छा हिंट्स कर दिया था, जिसका नहीं हुआ हाँ उसको क्या हिंट्स दिया था? उसको भी बता रहा था कि तुम्हारा भी प्रॉब्लम है, अच्छा जैसे एक लड़के का पल्स रेट 0 आया तो उसको बता दिया, अच्छा फिर किसी का राइट ब्लॉकेज है तो उसको बता दिया, लिख के दे दिया। तो 16 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है री मेडिकल ना? हाँ हाँ तो फिर 17 तारीख 18 तारीख सबको भी होगा, वो सब भी आ रहा होगा? हाँ सब धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ते जा रहा है, सबको वापस लौट आ रहा है। अभी 2 दिन वाले रिपोर्टिंग जो इधर का रिपोर्टिंग है वो सबको तो ऐसे ही लौटते जा रहा है। लौटते जा रहा है? हाँ डेली आओ और चल जाओ। ओ हम लोग का खुद 3 दिन के बाद यहाँ नंबर लगा है, अरे पता ना इसे काहे करते हैं ये लोग। उब के तो 10 लड़का भाग गया, 10 लड़का ऐसे भाग गया? भाग गया, एक दो का एफ कैट का एसएस भी था तो वो भाग गया। अच्छा कोई देख रहा था कि मेरा पॉइंट क्लियर भी नहीं होगा, वो भी भाग गया। अच्छा अरे तो बहुत, तो मतलब गुवाहाटी में झूला रहा है, ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं। गुवाहाटी क्या, इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगाता रहा पिछले बार तो? गुवाहाटी पुणे में, पिछले बार गुवाहाटी में तो 2 दिन तो एक्सेस हो गया, 2 दिन में तो फिर मतलब रिजल्ट दे देता है एकदम। उबाइल है, उबाइल बाद ही आऊंगा। कहाँ पे हो रहा है गुवाहाटी? वो जो बोरझर है वो बोरझर से 25 किलोमीटर, मतलब गुवाहाटी स्टेशन के आसपास ही है। ओ अच्छा, वशिष्ठा, वशिष्ठा बोलता है शायद। तो तब तो अच्छा वहाँ पे जो है अभी तुम्हारा मतलब रहने उने का ज्यादा खर्चा हो जा रहा है? हाँ, हाँ बहुत बहुत। अरे तो तुम मतलब 16 तारीख को तुम्हारा डी मेडिकल था, तुम 15 को पहुंचा होगा? 15 से बताओ आज हो गया 20 तारीख, अभी 25 तारीख तक हम लोग को कुछ नहीं होगा, 25 24 25 हो जाएगा, मतलब ग्रीन कार्ड हाथ में आता है। अरे बाप इतना टाइम लगाएगा। हाँ और सब पॉइंट में टूट रहा है कि नहीं सबका? हाँ सबका टूट रहा है। क्लियर, कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे वेट चेस्ट जिसका था उसका तो फर्स्ट डे ही मिल गया ग्रीन कार्ड। हाँ खाली वेट चेस्ट जिसका था। हाँ। और जिसका चेस्ट एक्सरे डीएनए ईसीजी वगैरह है उसको तो 10 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। हाँ जिसका ज्यादा पॉइंट है उसको थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ेगा ना? जिसका एक एक दो पॉइंट है उसका 2 दिन? एक दो पॉइंट नहीं, मैंने कहा था ईसीजी अगर एक भी पॉइंट है ना तो यहाँ 10 दिन ही रुकना पड़ेगा। अच्छा ऐसा बात है। ईसीजी में ज्यादातर ईसीजी में है क्या? हाँ ज्यादातर ईसीजी में है। ओ ईसीजी और डीएनएस का पॉइंट यहाँ ज्यादा है। तो तुम्हारा डीएनएस में तुमको फिट कर दिया? मेरा माइल्ड है ये था, देना ही नहीं चाहे था उसको पॉइंट। हाँ देखो अब कैरियर एंगल में फिट कर देगा, कैरियर एंगल में तो उतना नहीं देखता है। टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, एक्सरसाइज बहुत कर करके सीधा किए हैं इसको। हो जाएगा हो जाएगा। और सब फॉर्म भरा है? और कोई फॉर्म भरा है? आरो वाला भर दिए हैं, आरो वाला। तो दोस्तों आप लोग का री मेडिकल से रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोग भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके रिव्यू शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी रिव्यू शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर रिव्यू शेयर करना री मेडिकल का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी भाई फिट हो जाएँ जितने भी री मेडिकल वाले हैं। और चलो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और किसी नेक्स्ट कैंडिडेट का रिव्यू शेयर करेंगे बहुत जल्द ही। चलो थैंक यू।